खबरशीपुरी झांसी तिराहा से है, जहां एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के कर्मचारियों द्वारा आज पंजाब नेशनल बैंक द्वारा की जा रही अवैध पार्किंग के खिलाफ मोर्चा खोला, जहां कई दिनों से परेशान होकर आज गुरुवार को सुबह सुबह फिर से अवैध पार्किंग होने वाली समस्या को लेकर जब पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारियों से बात की तो संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो उन्होंने नारेबाजी करके अपना विरोध प्रदर्शन किया और बताया कि अवैध रूप से पंजाब नेशनल बैंक का जनरेटर भी अवैध रूप से अतिक्रमण करके रखा गया है, जहां पार्किंग भी नहीं होने के साथ साथ व्यवस्थाओं को भी बिगाड़ा जा रहा है, जिस आए दिन रोड पर गाड़ियों को रखकर पार्किंग को डगमगा सी गई है। मुन्नू रामदेव, शिवपुरी। क्या नाम है तुम्हारा? ये आप जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, किस प्रकार का क्या विरोध? एक्चुअली क्या है, यहाँ पे नीचे पीएनबी बैंक है और ऊपर हमारा भी यूबी बैंक है, यहाँ पार्किंग को लेकर रोज नहीं बचता है। सबसे पहली चीज, हम लोग अपनी गाड़ी में व्यवस्था करते हैं ऊपर यूबी बैंक वाले, नीचे पंजाब नेशनल बैंक वाले जो भी मैनेजर है उनके द्वारा अव्यवस्था की जाती है, जबरन गाड़ी अपनी ऐसे लगाते हैं जिससे हम लोगों को परेशानी। हम बैंक से भी दूर लगाते हैं गाड़ी के, भाई किसी को परेशानी ना हो। आज हमने अब जो परेशानी हो रही सब, उसमें इन्होंने ये बोला नीचे पंजाब नेशनल बैंक की मैनेजर ने कि गाड़ी मेरी यहीं लगेगी, आपको जो दिखाया कर लो। और उसके बाद हम लोगों को धमकी दे के गए कि मैं तुम्हारा बैंक बंद करा दूंगा, और ऊपर से हमको एक बार धमकी और दी है बैंक वालों से। अभी से नहीं सर, पहले भी इससे पहले बात हो चुका है पार्किंग के। तो पार्किंग इनकी है या नहीं? एक्चुअली क्या बैंक की पार्किंग नहीं है, तो उन्होंने है ना सबको है ना पार्ट दिया इसका, क्या आप साइड लगा दीजिए, आप साइड लगा दीजिए। हम एयू बैंक के एम्प्लॉय सारे अपनी गाड़ियों को बैंक सेटल लगाते हैं, बट उसके बावजूद भी बैंक मैनेजर जो पीएनबी के हैं वो गाड़ी को अपनी तरह से लगा के जाते हैं कि सबको असुविधा होगा। तो पार्किंग की वैसे नहीं सर व्यवस्था नहीं, जनरेटर इन लोगों ने रखा रखा है, उसको भी हम साइड से रखवा लीजिए, तो तब भी वो बोले कि नहीं गाड़ी नहीं लगेगी। तो अगर ये गाड़ी नहीं हटाते तो फिर आपका विरोध प्रदर्शन कब तक चलेगा? विरोध प्रदर्शन तब तक रहेगा जब तक ये माफी ना मांग ले हमसे आके, और गाड़ियों का व्यवस्थित लगा है, ऐसा नहीं फिर व्यवस्थित चाहे बैंक है सर, अव्यवस्था किसी को नहीं होगी। और दूसरी चीज सर, हमारे पास कर्मचारी हमारे लिए आते हैं, सब लोग आते हैं, अव्यवस्था किसी को ना हो, बस हमारा बस मानना यही है, और विरोध किसी बात का नहीं है, विरोध इस बात का है कि अव्यवस्था ना हो सर। सर इनका भी दूसरी चीज सर मैं बोलना चाहूंगा, इनसे रिक्वेस्ट भी की जाती है बीच में, जैसे कि सर ये पार्किंग हटा लीजिए, पार्किंग में नहीं आ रही है गाड़ी, आपके थोड़ा इसकी फाइट कर लीजिए, हम लोग निकलने में असक्षम है इस जगह से। तो सर अवसरता के साथ गाड़ी गलत के साथ जवाब दिया जाता है, ज्यादा करोगे आप तो ऊपर का बैंक भी बंद करवा देंगे, इनको अधिकार नहीं है इस बैंक को बंद करवाने का। पहली चीज, सभी के लिए रूल सेम समान है और इनको भी समानता के साथ रहना चाहिए, और रहना जो पार्किंग है उस हिसाब से गाड़ी लगाना चाहिए। तो आपने इसके खिलाफ कोई अधिकारी के बारे में आपको अवगत कराया इसके लिए कि आपकी गाड़ी पार्किंग में नहीं लगी है, कस्टमर परेशान हो रहे हैं, रोज बूढ़े बूढ़े व्यक्ति आते हैं जो चलने में सक्षम है, जो विकलांग व्यक्ति है वो भी आते हैं, वो भी अपनी गाड़ी रखकर यहाँ से पैदल गए वहाँ तक जाते हैं, उसके बाद भी लोग नहीं बचते हैं और अपनी गाड़ी को उसी प्रकार से लगाते हैं जिस तरह से आज लगी हुई। आप देख सकते हैं सर ये गाड़ी पूरी मतलब अन्य मित्रता के साथ आज ऐसी है।